योगा अभ्यास चूंकि आप करा ही रहे हैं, तो एक नई परेशानी जिसका नाम पॉपकॉर्न ब्रेन है वो पॉपअप हो चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे हेल्थ क्राइसिस मान रहे हैं। इसमें दिमाग है कि वो इतना ज़्यादा सोचने लग जाता है कि मल्टीपल थॉट्स आ जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण स्क्रोलिंग बताई जा रही है, माइंडलेस स्क्रोलिंग लोग सोशल मीडिया पर जो कर रहे हैं, और उसके बाद हर चीज़ में हड़बड़ी करने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि एंजाइटी अटैक तक की नौबत आ जाती है। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ डिजिटल डिटॉक्स के तरीके एक बार फिर से सबको समझाइए। तो देखो, ये डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। कल तो हमने शिवरात्रि थी, उपवास किया, और देखो ये उपवास करके कितना आनंद की अनुभूति होती है। एक तो आप मुझे देख लो, मैंने कल गाजर और बेर के अलावा और कुछ न खाया, थोड़ा सा बेर खाया और गाजर का जूस पिया, और गाजर का भी पीली गाजर, लाल गाजर और काली गाजर में क्या फ़र्क होता है वो भी आज बताने वाले हैं। हाँ, और अपने आप को डिटॉक्स करने के 10 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ, जो सिरोधारा, जल नेति, सूत्र नेति, यहाँ सिरोभ्यंग, सिरो पिचो, अक्षित अर्पण, कर्ण पूर्ण, नस्य अभ्यंग, और फिर मड थेरापी, ये कई बार मैंने भी खुद करके बताई हुई है, दिखाई भी है। मड थेरापी बस्ती बहुत ज़बरदस्त है, शंख प्रक्षालन, और यहाँ तो कोलन थेरापी भी करा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। उपवास तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है, उपवास करने से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और ये उपासना, उपवास के साथ उपासना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपवास से बॉडी डिटॉक्स होती है, और उपासना से ओंकार गायत्री की उपासना, उससे हमारा चित्त चेतना आत्मा भी शुद्ध हो जाता है, उसको जरूरी है। और ये जो आपने कहा ना, ये सुबह से शाम तक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी रील घुमाते रहते हैं, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी ट्विटर पर, और इतनी ज़्यादा स्क्रोलिंग होती है, और फिर उसके बाद ट्रोलिंग भी होती है कुछ उसमें अपने आप को ज़्यादा ही, पहले स्क्रोलिंग, फिर ट्रोलिंग, और फिर क्षत विक्षत होकर के टूटे फूटे उदास मायूसा चेहरा लेकर के गाने तो गाते, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पता नहीं क्या क्या है ना, रंग रूप नया सवेरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, अपना चेहरा मोहरा, माने सब उड़ गई, जुल्फे भी उड़ गई, रंग भी उड़ गया, बेढंगे हो गए, ऐसे बावले बावले से फिर घूमते रहते, मेरा सब कुछ लुट गया इस दुनिया के बाजार में। तो सुनो, उपवास और उपासना करना, धीरज रखो, विचारों की भीड़ के बीहड़ में इतने खो जाते हैं, और वहाँ जंगलों में तो कहीं शेर, कहीं भालू, कहीं चीते, कहीं अलग अलग जीव जंतु, जंगली सुअर ही अटैक कर देते हैं, और ये विचारों की भीड़ के बीहड़ में ऐसे अटैक होते हैं, शेर भालू हाथी चिंघाड़ते नहीं यहाँ, लेकिन इन विचारों के भीड़ के बीहड़ में वैसे व्यक्ति ऐसे खो जाता है, अनमनासा हो जाता है, अनमनस्क सा हो जाता है। अच्छा, इतनी भीड़ एक तरफ और दूसरी तरफ नितांत अकेला, इनसिक्योरिटी, इतनी लोनलीनेस, इतना इनकम्प्लीटनेस, ये बहुत बड़े दुख हैं जीवन के, खालीपन, सोनापन, अकेलापन, और उसमें व्यक्ति फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में इतना गहरा चला जाता है, उसको लगता है अब तो इस जिंदगी का बोझ सहा नहीं जा रहा, इतना बोझिल, इतना ज़्यादा व्यक्ति पगला जाता है कि फिर अपने कई बार तो जीवन से ही हाथ धो बैठता है। तो आज हम जो बता रहे हैं ना, ये जो उपाय है, उपवास है, उपासना है, और कम से कम सप्ताह में एक बार उपवास सभी करें, और सुबह सुबह अनार खा लें, सुबह सुबह एप्पल खा लें, सुबह सुबह
जिसको जो पसंद है, लौकी का जूस, कद्दू का जूस, पाइनएप्पल का जूस, गाजर का जूस, आंवला एलोवेरा का जूस, और आंवला एलोवेरा में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि सब मिला करके ले लो, लहसुन कली भी खा लो, तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो, ये गोधन अर्क जो है ना पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त रहता है। सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लिया, पूरे शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं जी। और सप्ताह में एक बार भी गोधन अर्क पी ले, सप्ताह में एक बार भी लौकी का जूस पी ले, ये डिजिटल फास्टिंग का। और हाँ, ओंकार उपासना, गायत्री महामृत्युंजय की उपासना, योग करते करते एक तो बैठ करके